टुडे बोला यूट्यूब चैनल के और एक नए वीडियो पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पहुंच गए हैं छत्तीसगढ़ गरियाबंद जिले का एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव जिसका नाम है मुड़गेलमाल। तो मुड़गेलमाल में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पारंपरिक विधियों के तर्ज पर मड़ी मेला का आयोजन है। तो आज का जो वीडियो है उस पर हम एक्सप्लोर करेंगे मुड़गेलमाल मड़ी मेला का। तो पूरे वीडियो पर बने रहिए और हमारे साथ कुछ भाई लोग हैं, आप लोग देख रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन से हम इस जगह पर पहुँचे हैं। तो एक बार नमस्कार बोल दो आप। नमस्कार। तो चलिए, तो आज का जो वीडियो है उसको हम शुरू करते हैं। तो मड़ाई का जो दौर है शुरू हो गया है, मतलब ना अभी दिन का 2 बजे है और जो दुकानें हैं दोनों साइड सजने लगे हैं और अभी अनुमानिक है कि मतलब ना जैसे जैसे शाम हो जाएगा यहाँ पर जो लोगों की भीड़ है, तादाद है, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा क्राउड देखने वाला है। यहीं के आयोजक हैं, हमको पूजा स्थल की ओर ले जा रहे हैं। तो ये पूरा बाजार परिसर आप लोग देख रहे हैं और जो देवी देवताओं की जो पूजा हो रही है ये वाला स्थान पर है। जो बरगद का पेड़ बड़ा सा आप लोग देख रहे हैं, इसके नीचे बहुत सारे देवी देवताओं का स्थान बनाया गया है। पूजा होगा पारंपरिक तरीक़ों से और इसके बाद देखने को मिलेगा मड़ई मेला। तो यहाँ पर जो मुड़गेलमाल मड़ी पर हम पहुँचे हैं और आप लोगों को यहाँ के शानदार नज़ारे दिखा रहे हैं। वे एक बहुत ही बड़ा यानी कि विशाल बरगद का पेड़ है और इसके नीचे सभी जो माता हैं उनकी कुर्सी को स्थापना किया गया है। अभी कुछ टाइम के बाद यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू होगा। हमारे साथ देवी देवताओं के पुजारियाँ भी मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे इस विषय में और भी अच्छी तरह से जो जानकारियाँ हैं हम आप लोग तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आज मुड़गेलमाल में मड़ई मेले का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हुआ है ग्रामवासियों के द्वारा। क्षेत्र के देवी देवता का मिलन होता है और हम सभी यहाँ पे दर्शन करने के लिए पहुँचे हुए थे। निश्चित तौर पे क्षेत्र में एक धार्मिक का माहौल बना हुआ है, इससे निश्चित तौर पे हम सबको जो है माता का दर्शन करने को मिलता है। माता से आशीर्वाद हम लोग यहाँ पे लिए हैं और क्षेत्र में सुख शांति के लिए हमने कामना की है और निश्चित तौर पे इस टाइप के आयोजन होने से क्षेत्र में धार्मिक का माहौल जो है बना रहता है। यहाँ पर देखें तो देवी देवताओं के लिए मंदिर नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसे विकास के लिए आप कुछ? हाँ, निश्चित तौर पे ग्रामवासियों की ओर से मांग आएगी और इससे पहले मुझे अवगत भी कराए हुए थे यहाँ पे एक धार्मिक स्थल के तौर पे यहाँ पे विकसित होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और मैं अभी ग्रामवासियों के प्रमुख जन यहाँ पे हैं तो उनसे मैं चर्चा भी करूँगा और जो यहाँ पे मांग आएगी उस मांग पे हम लोग विचार करेंगे और विचार करके यथासंभव यहाँ पे विकास करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। चलिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बाजार स्थल पर, यहाँ पर पूरा बाजार बैठता है। और इसके सामने एक तालाब आपको देखने को मिला है जो कि गर्म, यहाँ पर मंदिर है मेरे ख्याल से, ठीक है, शिव मंदिर ऐसा कुछ है, क्या है डिटेल अभी जाने से पता चल पाएगा क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम इस जगह पर आया हूँ तो आप लोगों को क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, अंदर जाएंगे तभी पता चल पाएगा इस चीज़ के विषय में। खैर आगे भोजनालय है तो अभी हम लोग भोजनालय की ओर जा रहे हैं, वहाँ पे देखते हैं क्या खास। भोजनालय के पहले हमें देवी स्थल देखने को मिला, पुजारी भैया से जानते हैं कौन सा देवी है ये सामने वाला, ये चंदाई सात तारा की देवी है। तो मुर्गेलमाल गिरीघाट कुनेरा पानी डालीगुड़ा पदमपुर। ये कब कब पूजा होता है इसमें? इसमें जो है चैत्रा दंसिना। आज हुआ कि नहीं? आज मरी है तो रात में हुआ और दिन में यहाँ पूजा हुआ। अरे चलो ठीक है, इसमें आपको दिखा के चलते हैं थोड़ा सा सामने से, इधर मंदिर में। हाँ हाँ उधर भी जाएंगे, अंदर नहीं घुसता ना, यहीं से दिखा देता हूँ, दर्शन कर लीजिए आप लोग। और एक हमें यहाँ पे देवस्थल देवगुड़ी देखने को मिला, ये परदेशन माता का मंदिर है। अच्छा परदेशन माता जी का है। हाँ हाँ और आगे और भी देवस्थल है ना? हाँ ये परदेशन माता जी हैं। चलिए तो भारी गर्मी में थोड़ा सा राहत मिला है, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे देखने को मिला है, थोड़ा सा अच्छा लगा, कंफर्टेबल लगा, क्योंकि जो मड़ई स्थल था ना वहाँ पर बहुत गर्मी था, बहुत क्राउड था, तो यहाँ पर आने के बाद थोड़ा राहत की सांस मिला है। काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं, पूरा भोजनालय चल रहा है और बोरिंग भी है, अच्छी बात है। और यहाँ से ये यह है पूरा भोजन व्यवस्था, तो इस जगह के बारे में और भी जो डिटेल में जानकारी हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे तीन नए जो देवगुड़ी देखने को मिला है। आज के जो कार्यक्रम है ये हमारा परंपरा के कार्यक्रम है और हमारे पुरुषा के कार्यक्रम है। हमारा पुरुषा ने इस पुजारी परिवार में सात गांव के पुजारी हैं, मुर्गेलमाल पदमपुर डबरीगुड़ा कुंडेरा पानी बिरेघाट मुड़ा गाँव धरा झोला। तो आज का जो मणि मेला है, हमारे जो परिवार हैं हम बहुत दूर दूर से देवी देवता को बुलाए थे, कम से कम 28 गांव का बुलाए थे, तो यहाँ पे 14 गांव का देवी देवता उपस्थित हैं। हम आज जो है ना हमारे जो परंपरा में जो बलिदान होता है गर्रा बकरा जो भी काटते हैं उस पूजा विधि के अनुसार हमने जो है ना आज पूजा पाठ किए और इस मणि मेला को सम्पन्न करने के लिए ये हमारा सात गाँव का देवी देवता का स्थान है। ये माता भंडारुणी का गुड़ी है, पीछे तरफ माता महानपुरियन का गुड़ी है, माता गादी माँ का गुड़ी है, ये तीनों मंदिर बन चुका है। अभी सभी किसान भाइयों और मंदिर बनाने के लिए श्रद्धा हैं, इच्छुक हैं, सभी जगह मंदिर निर्माण करने के लिए सबके सब तैयार हैं, को हम कभी भूल नहीं पाएंगे। ये परंपरा हर समय चलते रहेगा और इस परंपरा को हमारे दादा परदादा दिन से हम मना रहे हैं, हमारे आने वाला पीढ़ी भी ये परंपरा को नहीं भूलेगा, ये परंपरा को मनाते रहेगा। और दो गुड़ी है पीछे, उसको हम देखने जा रहे हैं। अब से कुछ टाइम के बाद जो मणि मेला का विहंगम दृश्य भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी चूँकि पूजा पाठ का दौर चल रहा है इस वजह से जो मणि मेला में अभी लोग बाग आना भी बाकी है, तो तकरीबन 4 से 5 बजे जो विहंगम दृश्य है मेला का खूबसूरत नज़ारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बहरहाल इस बीच हम आप लोगों को स्थानीय जो देवी देवता हैं इनसे हम इनके दर्शन कर रहे हैं, आप लोगों को करवा रहे हैं। ये कौन सा देवगुड़ी है भैया? गादी माई, आपसे पूछता हूँ। अच्छा ये कब कब पूजा करते हैं इसका आप लोग? दशहरा, दशहरा के टाइम में। देवगुड़ी कौन सा भैया? कब कब पूजा होता है माता जी? पूजा कब समय है माता जी का पूजा? यहाँ पे जो है ना पूरे सात गांव के किसान दशहरा में, दशहरा के बाद पिठोरी, पिठोरी के बाद हमारे जो बीज फूटनी त्योहार होते हैं, जैसे हम लोग रामनवमी में धान बीज पूरा किसान के देते हैं और किसान यहीं से लेकर के धान जो है ना खेती में पहुँचते हैं, वही वाला पूजा होता है। और अभी मणि मेला के संबंध में आपके साथ मैं एक चीज और भूल गया था, ताकि अभी मणि मेला में ऐसे कार्यक्रम होगा क्षेत्र के जितने भी गांव, अड़ोस पड़ोस के जितने भी गांव हैं, सभी गांव के दर्शक ऐसे होता है मणि मेला पूरा खचाखच भर जाते हैं
और इतना उत्साहवर्धन पूरे गांव के देवी देवता के लोग हम लोग वहाँ पे नगर भ्रमण करवाते हैं। पुजारी जी माता जी के गोद में बैठ करके वो जो है ना पूरा फूला लिया के साथ रुपया है उनको छिड़ते रहता है और सभी गांव के देवता पीछे पीछे घूमते रहते हैं और पूरे किसान पूरे माता बहनों नौजवान साथी बालक वगैरह सब आते हैं हमारी देखने के लिए और सब श्रद्धा रूप से जो है ना उत्साहवर्धन करते हैं। सीन कुछ ऐसा है, काफ़ी टाइम हो गया है, तकरीबन अभी 4 से ऊपर होने का है समय और जो देवी देवता का जो यहाँ परिक्रमा होनी है वो अभी कुछ टाइम के बाद होने वाला है। तो थोड़ा सा ये छाया है, आप लोग देख सकते हैं, इसे छाया में थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं। उसके बाद अभी जो देवी देवताओं का परिक्रमा होगा उसका बहुत ही सुंदर दृश्य आप लोगों को दिखाने वाले हैं, देवी देवताओं के आप लोगों को दर्शन कराने वाले हैं।
ग्राम मुर्गेल माल का यह मड़ाई अब तक का सबसे बड़ा विशाल मड़ाई मैं कहूँगा। अब तक टुडे ब्लॉग सिर्फ चैनल पर हमने काफ़ी सारे मड़ाई एक्सप्लोर किए हैं, आप लोगों को दिखाए हैं, लेकिन इतने तादाद में भीड़ कभी नहीं हुआ हमारे नज़र पे। ये अब तक जबने अब तक हमने जितना भी मड़ई आप लोगों को दिखाए हैं तो अब तक का सबसे बड़ा लोगों का भीड़ इस मड़ई में हमको देखने को मिला है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना अगर आप मुर्गेल माल से हमारा ये वीडियो दिख रही है या फिर इससे आसपास से हमारा ये वीडियो दिख रही है तो अपना प्यार और सपोर्ट चैनल के साथ बना के रखिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट चैनल के साथ बना के रखिए। इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आप लोगों को ऐसे ही इंटरेस्टिंग विलेजेस लाइफ स्टाइल एंड ब्लॉग वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते रहते हैं। मुर्गेल माल मड़ई मेला एक्सप्लोर करने आए थे और हमारे सब्सक्राइबर बंधुओं से हमारा मुलाकात हुआ है, इनसे जानते हैं आज की रायशुमारी लेते हैं कैसा लगा आप लोगों को यहाँ आने के बाद। देखो भाई आपके आने पर ना हमको बहुत खुशी हुआ और आपका जो एक्सप्लोरेशन ना बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लगा यहाँ मुर्गेल माल आए हो आप आज मड़ी देखने के लिए तो कैसा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं बहुत अच्छा लगा, जैसे पुराने रीति रिवाज के साथ ना बहुत जो भी देवी देवता जो घूमते फिरते जो भी है उसको ना बहुत अच्छा लगा और देखने हम लोग भी आए थे हैं, अच्छा लगा। आपका नाम बता देंगे हमारे सब्सक्राइबर नेता में गाँव कोदोहाटा कंठ्यामुरा। जी जी बिल्कुल, और आप अपना परिचय बता दें भाई साहब। मेरा नाम सेवन नागेश, गांव का नाम बता देंगे। जी जी, और आपका भाई। तो ये हमारे सब्सक्राइबर बंधु हैं और दुर्जन पटेल है हमारे टाइम रहते हैं हमारे साथ में वीडियो वगैरह कुंजवारी को तो आप लोग पहले से जानते होंगे और मैं सर प्रदेन सिंह मेरे काम आसपा बिल्कुल अच्छे तरह से याद होगा। तो आप सभी लोगों ने हमको प्यार दिया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप सभी लोग हमसे मुलाकात करने आए हैं यहाँ तक।
लॉट्स ऑफ पार्किंग, आप लोग पार्किंग देख सकते हैं। यहाँ पर पूरे गाड़ियों की लाइन लग गया है और आदमी का तो कोई गिनती ही नहीं कर सकता मेरे भाई। अब तक का जितना भी हमने मणि मेला आप लोगों के साथ एक्सप्लोर किए हैं, आप लोगों को दिखाए हैं, अब तक का सबसे बड़ा ज़्यादा यानी कि मेला मणि मेला कहा जाए तो बेशक का मुड़गेल माल का आप नज़ारा देख सकते हैं। हमने आप लोगों को अंदर का बारीकी से बारीकी चीज़ें भी आप लोगों को एक्सप्लोर करवाने की कोशिश करी, लेकिन भीड़ इतना कि एक्सप्लोर करना भारी मुश्किल। आप इन भीड़ को, इन मोटरसाइकिल्स को और जो शोर शराबा है उनको सुनकर आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं क्राउड कितना ज़्यादा है, ज़बरदस्त है, तबाही वाला भीड़ आज देखने को मिला मणि मेला मुड़गेल माल में। और स्पेशल थैंक यू बोलूँगा मुड़गेल माल मणि मेला कमेटी का सारे सदस्यों को। जब हम यहाँ पर आए तो बहुत ही अच्छा उन्होंने सत्कार किया, स्वागत किया, और जब हम लोग का विदा ही हो गया है तो हमें नारियल सप्रे में भेंट किए हैं। आज तक हमने अपने लाइफ में बहुत सारे ब्लॉग किए हैं, बहुत सारे देवी देवता का एक्सप्लोर किए हैं और देवगुड़ियों और पारंपरिक जो देवी देवता हैं उनके बारे में आप लोग को बताए हैं, लेकिन कभी भी किसी भी समिति से हमको इस तरह का सप्रे में भेंट करके विदाई नहीं किया गया। आज पहली बार मुड़गेल माल में हम लोग को नारियल सप्रे में भेंट करके विदाई दी गई है, इसलिए टुडे प्लस यूट्यूब चैनल की ओर से स्पेशल थैंक यू बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा मुड़गेल माल के मणि मेला के जो भी आयोजक हैं, कमेटी हैं, हमारी ओर से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक है। एंड आज ओवरऑल हमारा जो ब्लॉग का काम है वो ख़त्म हो चुका है और यही पार्किंग वाला सीन के साथ आज का जो वीडियो है उसको हम एंड करते हैं। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल के साथ बना के रखिएगा, टुडे प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।